अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल से किसी नाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई कामयाबी आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अरबी मसाले वाली। और मसाले वाली अरबी जो हम बना रहे हैं वो किस तरह बने, किस तरह तरकीब किया है ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाह, ये मैंने ना एक बड़ा सा प्याज ना ब्राउन कर लिया, इसमें ना लहसुन डाल दिया है। अब मैं टमाटर डालती हूँ इसमें, ये ना टमाटर डाल रही हूँ मैं, दो टमाटर। अगर हम लोगों ने टमाटर लिए हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे मसाला तैयार करें, क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है वो मसाले वाली अरबी है। और अरबी को हम लोगों ने छील के रख दिया है नमक लगा कर। ओके, क्योंकि ले सकती है ना। हाँ जी, क्योंकि अरबी में जो सी है वो लेस होती है, लेसदार होती है, इसलिए हम लोगों ने उसको नमक लगा कर रख दिया है। तो उसको वॉश करके फिर हम लोग यूज़ करेंगे। और आज जो सी हम अरबी की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये यूनिक हो, कुछ लोगों को मतलब बनानी नहीं आती लेकिन उनको आइडिया होता है जैसे बनती है। तो आज हम उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं ताकि वो लोग जो वेजिटेबल्स बनाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, जिनको मतलब अरबी पसंद है लेकिन बनानी नहीं आती, तो आप बहुत ईजीली आप कुकिंग विद नाज़रीन के ज़रिए देख कर बना सकते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा ना पानी डाल दिया, ये प्याज थोड़े से गल जाए, फिर अरबी डाल के ना भून करें। ठीक है व्यूअर्स, माशाल्लाह जो सा मसाला है हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया, आप लोगों के सामने हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। प्याजों को हम लोगों ने गलने के लिए रख दिया था। हाँ जी, अब ना अरबियाँ भी डालते हैं इसमें, भूनते हैं फिर मसाले डालते हैं। ये मैंने अरबियाँ डाल दी इसमें। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने प्याज़ों का मसाला तैयार किया, हम लोगों ने क्योंकि नमक मिर्च के अंदर शामिल नहीं किया, हम लोगों ने अब इसके अंदर जो सी है वो अरबियाँ डाल दी। इसके बाद हम लोग जो नमक मिर्च होगा वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मम्मा, अभी आप डाल देंगे इसके अंदर नमक मिर्च के भी, मतलब इसको भूनेंगे अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने इसको भूना है। भूनने के बाद घी में तली भी जाएंगी, फ्राई भी हो जाएंगी और जो सा है मतलब ये इसका टेस्ट वो भी डिवेल्प हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो सा स्पाइसिस हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ जी, 5 मिनट भूनते हैं ना इन्हें। ठीक है व्यूअर्स, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, मज़ेदार से जो उनसे अरबियों की रेसिपी, मसाले वाली अरबियाँ जो आज हम तैयार करें वो कैसे फाइनल हो। वो अपनी मर्ज़ी से भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, आधी चम्मच हल्दी का मसाले, यही बस जो घर बने हैं, आधा चम्मच मिर्च का, थोड़ा सा ज़ीरा। अब हमने इसे अच्छी तरह ना भून लिया, ये देखें घी भी आ गया, अच्छी तरह भून के ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसमें बस गलने के लिए रख देंगे। देख रहे बिल्कुल व्यूअर्स, सूखी सूखी सी मसाले वाली जो सी हैं हम लोगों ने तैयार की हैं अरबियाँ, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो सी फाइनल होने वाली है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, हमें अपनी फीडबैक देनी है। अगर इसके साथ साथ आप लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी है कुकिंग के हवाले से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि इसका शोरबा सा तो बनाना नहीं है, रस मिसा सा। तो अब इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अच्छी है ना, गल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के हम लोग उसको ढक कर रख रहे हैं पकने के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है कि देखना है मज़ेदार से जो सी अरबियाँ हम लोगों ने आप लोगों के सामने तैयार की हैं, इसका फाइनल लुक क्या होगा। माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ये अरबियाँ भी गल गई हैं, कलर कितना प्यारा आ गया इसका। हाँ जी, हमने मैं धनिया काट के डाल दी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी माशाल्लाह बहुत खिला खिला ज़बरदस्त आ गया है, डेलिश सा। और इसका मतलब है जो सी हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो गई, अरबियाँ भी गल गई हैं, तो इसको डिशर करते हैं। हाँ जी, ये रस मिसा सा मैंने रखा है, घी भी आ गया इसके ऊपर। तो गर्मा गर्म नान मंगवाएं या रोटी के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, तो उसको डिशर करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है अरबी मसाले वाली हम लोगों ने अरबियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, ये है उसका फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और अगर इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें।
ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।